अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम वास्टिक। दोस्तों मेरे पास मी 9SC आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही थी आप लोगों की तरफ से एम आई 9SC की अनबॉक्सिंग की, तो आज मैं लेके आया हूँ एम आई 9 की अनबॉक्सिंग। PTA अप्रूव कराने के बाद जो प्राइस पड़ी है वो आपको एंड पर बताऊंगा। पहले आप ये देखिए अनबॉक्सिंग और मुझे बताएं कि आपको मी 9SC जो है वो पसंद आया कि नहीं आया। और मैं ये कहूंगा ये वाकई ही रेडमी नोट 7 किलर होगा, इवन इस रेंज का सारे ही फोन्स का किलर होगा अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते ये हैं कि क्या मी 9SC वाकई ही प्राइस के लिए इस प्राइस में जस्टिफाइड है कि नहीं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बेल मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं मी 9SC की अनबॉक्सिंग। लेट्स जंप टू द अनबॉक्सिंग। ओके जी दोस्तों, मी 9SC का वाइट कलर का बॉक्स मिलता है। यहाँ 9 और यहाँ SC को मेंशन किया गया है, और अगर आपको नज़र आए क्लियरली यहाँ पर मी का लोगो दिया गया है। इस साइड भी आपको मी 9SC की कुछ ब्रांडिंग मिल जाती है। ग्लोबल वर्जन को स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन किया गया है, और रियर साइड पर मेंशन किया गया है कुछ स्पेसिफिकेशन को। स्नैपड्रैगन 712 2.3 GHz पर चलने वाला प्रोसेसर मिलता है, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 5.97 inches का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। वन हैंडेड ऑपरेटेड यहाँ पर लोगों को मेंशन किया गया, आप एक हाथ से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मी 9SC पियानो ब्लैक, 6GB का रैम है, 64GB का रोम है मेरे पास, डुअल सिम स्टैंड बाय, मतलब ये कि आपको दो सिम्स की ही ऑप्शन मिलती है, यहाँ कोई भी मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं मिलती। बाकी बॉक्स पर आपको ऐसा कोई भी ब्रांडिंग नहीं मिलती। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फ़ोन का रैपर कट कर लेते हैं। ओके जी दोस्तों, फ़ोन का बॉक्स ओपन कर चुके हैं। सबसे पहले हमें कुछ इस तरह का मिल जाता है, एक इन्वेलप टाइप, और यहाँ मेंशन किया गया है डिज़ाइन बाय शाओमी। और इस इन्वेलप को ओपन अगर करते हैं तो हमें सबसे पहले एज यूजुअली जैसा कि सारे ही फोन में मिल रहा है, सिम इजेक्टर टूल मिलता है हमें देखने को कुछ इस तरह का। और यहाँ हमें अंदर मिल जाता है मैनुअल बुक्स और एक डोंगल मिलती है, क्योंकि इस फोन में आपको हैंड फ्री जैक नहीं मिलता देखने को, और आपको हैंड फ्री के लिए डोंगल इस्तेमाल करनी होती है। डोंगल को मैं निकाल लेता हूँ बाहर, आपको ऐसी कुछ डोंगल मिल जाती है इस फ़ोन में। मैनुअल बुक्स मिल जाती हैं जो कि शायद कोई भी ना पढ़ता हो, और फिर आपको मिल जाता है जी एज यूजुअली एज एक्सपेक्टेड एक सिलिकॉन कवर। इस तरह का सिलिकॉन कवर है, टिपिकल एक शाओमी के फ़ोन के साथ आने वाला कवर। और यहाँ मिल जाता है आपको मी 9SC। जी हाँ दोस्तों, मी 9SC के ऊपर फ्रॉस्टेड पेपर को लगाया गया है। मी 9SC मेंशन है, बाकी प्रोसेसर के बारे में मेंशन किया गया है 10 nanometer बेस प्रोसेसर है। यहाँ कैमरा का मेंशन किया गया है, 48 megapixel अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है, बाकी वही जो स्पेसिफिकेशन में पहले आपको बता चुका हूँ। यहाँ इस रैपर को हम ऑफ कर लेते हैं इसके ऊपर से, और यहाँ बैक साइड वाला भी रैपर निकाल लेते हैं इसमें से। तो फ़ोन को करते हैं ऑन और बात करते हैं बाकी बॉक्स के कॉन्टेंट की। यहाँ फ़ोन हो चुका है ऑन, और यहाँ मिलता है आपको इस तरह का कुछ हार्ड गत्ता टाइप, और फिर मिल जाती है आपको एक टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को, एक केबल मिलती है, और यहाँ कुछ इस तरह की केबल है, और आपको फिर देखने को मिलता है एक चार्जर। ओके जी दोस्तों, इसमें जो आपको चार्जर मिलता है उसकी रेटिंग की अगर बात कर ली जाए तो आपको यहाँ पर 1.5 ampere 12 volt के साथ चलने वाला चार्जर मिलता है, 3 ampere 9 volt के साथ 18 volt की चार्जर टेक्नोलॉजी अनबॉक्स करते ही मिल रही है। यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का एक लोगो भी दिया गया है, और मेड इन चाइना है चार्जर। चार्जर आपको 2 pin का देखने को मिलता है, कुछ इस तरह की शेप है, ये मैं अच्छी बात समझूंगा क्योंकि नॉर्मली हमें जो है ये जो पिन्स हैं चेंज मिलती हैं जो इंपोर्टेड फ़ोन होते हैं। ग्लोबली वर्जन है, यहाँ पर पिन रखी गई है कुछ इसी तरह की। और उसके बाद आपको मिल जाता है मी 9SC। शाओमी के फ़ोन में आपको कोई भी हैंड फ्री देखने को नहीं मिलती, कोई भी अगर आप फ़ोन लेते हैं तो। यहाँ हम फ़ोन को कर लेते हैं एक्टिवेट और बात करते हैं फ़ोन के ओवरव्यू की। ओके जी, मी 9SC एक्टिवेट हो चुका है, और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत फ़ोन है। अगर बात की जाए इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की, आपको रियर पर ग्लास मिलता है, कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर डिस्प्ले में मिलता है। मी की ब्रांडिंग मिल जाती है, यहाँ लाइट रखी गई है, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है आपको रियर साइड पर देखने को, और कैमरा बम थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ कैमरे में एक रिंग को लगाया गया है,
आपको एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलता है, ऑन ऑफ की मिल जाती है, वॉल्यूम रॉकर की एंटेना बैंड्स, ऊपर की साइड पर आपको IR ब्लास्टर जो कि एक Xiaomi की टिपिकल हर डिवाइस में आपको तकरीबन देखने को मिल जाती है, एक नॉइस कैंसलेशन माइक मिलती है और यहाँ आपको मिलता है सिम ट्रे। और अगर सिम ट्रे की बात कर ली जाए, यहाँ हम सिम को भी निकाल के देख लेते हैं, यहाँ आपको मिल जाती है दो सिम वाली स्लॉट, कोई भी डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट इस फ़ोन में आपको नहीं मिलती। और यहाँ GP जो है इसका अपना इंटरनल स्पेस 64 GB है। अगर बात की जाए बॉटम की, एंटेना बैंड्स, दो स्पीकर ग्रिल, टाइप सी की आपको कनेक्टिविटी मिलती है जो कि एक प्लस पॉइंट है, और यहाँ आपको क्विक चार्ज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और फ्रंट साइड की अगर डिस्प्ले की बात कर ली जाए, यहाँ आपको डिस्प्ले मिलता है 5.9 इंचेस का, 84% स्क्रीन इनटू बॉडी रेशियो है, काफ़ी खूबसूरत एक मैं लुक कहूँगा यहाँ पर। और यहाँ कोई डॉट नॉच नहीं, यहाँ पर ड्यू ड्रॉप नॉच रखा गया है, काफ़ी अच्छी इम्प्लीमेंट की गई है। नॉच के ऊपर ही आपको एक बड़ी ग्रिल, स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है इस फोन में। और अगर बात की जाए यहाँ प्रोटेक्शन की, तो यहाँ आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की इस फोन में प्रोटेक्शन मिल जाती है जो कि काफ़ी बेहतर है। और यहाँ आपको PPI जो मिलता है 432 फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, काफ़ी ज़बरदस्त कलर है। और अगर बात की जाए इस फोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ आपको देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन 712 10 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, 2.3 GHz पर काम करता है, एड्रीनो 612 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। फ़ोन को अनबॉक्स करते ही आपको Mi 9 SE मेंशन किया गया है, ग्लोबल 10.2 का आपको स्टेबल रोम मिलता है इस फोन में, 2.3 GHz का प्रोसेसर है, 6 GB का रैम है मेरे पास, 64 GB का रोम है। और अनबॉक्स करते ही 64 GB में से आपको 53.87 GB का आपको रिमेनिंग स्पेस मिल रहा है। अगर बात कर ली जाए Mi 9 SE के कैमरा स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ फ्रंट साइड की नॉच में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, अपर्चर मिलता है 2.0 का। और यहाँ कुछ कैमरा रेजोल्यूशन की अगर बात कर ली जाए फ्रंट कैमरा की, तो कुछ इस तरह से करता है काम। बाकी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम MIUI 10 मिलता है, आपको वही कैमरा ऑप्शंस मिलती हैं जो कि Mi के सारे ही फोन में मिल जाती हैं। AI बेस्ड कैमरा है इस फोन का। यहाँ अगर वीडियो की बात की जाए, तो फ्रंट साइड पर आपको मैक्सिमम 1080p 30fps की ऑप्शन मिलती है, 720p 30fps की ऑप्शन मिलती है। और अगर यहाँ बात कर ली जाए रियर कैमरा की, जी हाँ दोस्तों, इस फोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है रियर साइड पर। मेन कैमरा आपको देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का जो कि 1.8 के अपर्चर के साथ आता है। और यहाँ आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है डेप्थ सेंसर जो कि 8 मेगापिक्सल का है, अपर्चर रखा गया है 2.4। और यहाँ अल्ट्रा वाइड सेंसर इस्तेमाल किया गया है 13 मेगापिक्सल का। अगर आपने कोई पिक्चर कैप्चर करनी है अल्ट्रा वाइड सेंसर से, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम करता है। यहाँ आपको सपोर्ट मिल जाती है 123 डिग्री तक की। और यहाँ एक पिक्चर कैप्चर कर लेते हैं रियर साइड से आपको यहाँ पर इस तरह की ऑप्शन मिलती हैं कुछ। यहाँ आपको स्लो मोशन का ऑप्शन मिल जाता है, वीडियोस का ऑप्शन मिल जाता है, और ये फ़ोन टाइम लैप को सपोर्ट मिलती है आपको इस फ़ोन के ऑप्शन में, और 4K की भी सपोर्ट आपको इस फ़ोन में मिल जाती है रियर कैमरा में। 30fps पर आप 4K की भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फुल HD प्लस 1080p 30fps पे भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको रियर साइड पर EIS की सपोर्ट भी मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, और आपको जायरो की भी सपोर्ट मिल जाती है कैमरा सेंसर में। और अगर बात की जाए 48 मेगापिक्सल वाली ऑप्शन की, तो इस फोन में भी आपको प्रो मोड में जाके 48 मेगापिक्सल को ऑन करना होगा, फिर आपको मिलती है ऑप्शन कुछ 48 मेगापिक्सल की। यहाँ हम दो पिक्चर्स को कैप्चर कर लेते हैं, एक 48 मेगापिक्सल के साथ और एक विदाउट 48 मेगापिक्सल, ताकि हमें डिटेल का डिफरेंस नज़र आ जाए। यहाँ ये पिक्चर ली गई है विदाउट 48 मेगापिक्सल, ये भी काफ़ी डिटेलन है। और अब हम चेक करते हैं 48 मेगापिक्सल वाली पिक्चर को, तो ये पिक्चर ली गई है 48 मेगापिक्सल के साथ और थोड़ी सी डिटेल का डिफरेंस है। बाकी ओवरऑल इस फ़ोन का कैमरा मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। और अगर बात कर लीजिए इस फ़ोन के सेंसर्स की, तो इसके अंदर आपको सारे ही सेंसर मिल जाते हैं। यहाँ आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिलता है, लेकिन जो पाकिस्तानी रीजन है उसमें फेस अनलॉक की ऑप्शन नहीं आई। डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, और फिंगरप्रिंट सेंसर की अगर स्पीड की बात कर ली जाए, तो काफ़ी क्विक नज़र आ रहा है। यहाँ A50 से तो एटलीस्ट आपको ज़्यादा स्पीड मिल रही है, फ़ौरन ही अनलॉक हो जाता है। और यहाँ आपको ग्लास बिल क्वालिटी प्रीमियम फील वाला फ़ोन मिलता है, एल्युमिनियम फ्रेम मिलता है, काफ़ी ज़्यादा हैंड फील अगर फ़ोन की बात कर ली जाए काफ़ी प्रीमियम है। इवन मुझे पर्सनली इस साइज़ के फ़ोन काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। और अगर इस फ़ोन की बैटरी की बात कर ली जाए, आपको 3070 mAh की बैटरी मिलती है, 18W की आपको चार्जिंग मिल रही है अनबॉक्स करते ही, जो कि एक प्लस पॉइंट बनाती है। यहाँ थोड़ा सा बैटरी से कहूँगा, अगर 3500 या 4000 mAh होती तो इस फ़ोन के अंदर आपको कोई भी कमी नज़र ना आती। बाकी ओवरऑल थोड़ा सा यूज़ करने के बाद, डे टू डे यूज़ करने के बाद ही आपको इसका रिव्यू दे पाऊँगा कि क्या वाकई Mi 9 SE को पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहिए था Redmi Note 7 Pro की जगह। आपको कैसा लगा Mi 9 SE, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा।
खैर बात होगी आप लोगों से अगली वीडियो में। अब चलते हैं अपने एंड की तरफ, बात करते हैं क्या ये फ़ोन हमें मिल जाएगा पाकिस्तान की मार्केट में कि नहीं। ओके जी दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग MI 9 SE की। यार सच में मैं ये कहूँगा कि ये वैसे लोअर वेरिएंट है, मतलब इसको मैं छोटा वेरिएंट बोलूँगा MI 9 का, लेकिन वाकई ही ये कुछ स्पेशल एडिशन है। हैंडफील्ड फ़ोन की बहुत बेहतर है, स्क्रीन साइज़ बहुत बेहतर रखा गया, कैमरा क्वालिटी तो कमाल है इस फ़ोन की। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं प्राइस का क्यों नहीं बता रहा, तो भाई प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है। फिलहाल पाकिस्तान में ऑफिशियल नहीं आता, लेकिन ये ग्लोबल वेरिएंट है। इंपोर्ट करने के बाद, PTA अप्रूव करने के बाद कुछ 48,000 या 49,000 रुपीज़ में मुझे ये पड़ा है। अगर महंगा पड़ा है तो आप मुझसे बाय मत करें। अगर आप करना चाहते हैं बाय तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आज की इस अनबॉक्सिंग में इतना ही। मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि MI 9 SE आपको खूबसूरत लगा या आपको Redmi Note 7 Pro का स्टिल वेट करना है। सो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। मैं हूं अली अब्बास मास्टेक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।